यू जस्ट क्लाइम अप फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑफ दिस फोर्ट। पहला गेट अपनी गाड़ी से एंट्री किया, उस पहले गेट से लेकर पूरे किले पर अपनी गाड़ी से घूम कर निकले तो एशिया का सबसे बड़ा किला 13 किलोमीटर का किला आप यहाँ विजिट करने वाले हैं। 13 किलोमीटर थ्रू बाय रोड साइड, डायमीटर से 8 स्क्वायर माइल का फुट और 700 एकड़ के अंदर फैली हुई पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर इस किले का निर्माण किया गया, फोर्ट ऑफ चित्तौड़ रिपोज़ेस ऑन द प्लेटो अरावली, ये अरावली पहाड़ी पर बसा हुआ किला है। तो इस अरावली पहाड़ी पर आज के 1500 साल पहले अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन मौर्यन डायनेस्टी के राजा चित्रांगत मौर्य ने इस चित्तौड़ के किले का फाउंडेशन रखा था। दैट वाज टाइम इन 5th सेंचुरी AD। और मौर्य के बारे में अपने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, अशोका, बुद्धम शरणम गच्छामि। सो वन डिसेंडेंट ऑफ दैट फैमिली हिज नेम चित्रांगत मौर्य, ही मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ही फाउंडेड दिस फोर्ट इन द 5th सेंचुरी, 5वीं से 8वीं शताब्दी, 300 साल मौर्य लोगों के अधिकार में किला रहा। इस किले का पहला जो नाम रखा गया सब जी, उसका नाम था चित्रकूट, लेकिन बाद में इसका नाम चित्तौड़गढ़ के नाम से आपको जानने को मिलता है। 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी में गुजरात के रहने वाले थे बप्पा रावल। तो हिंदू राजा बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किले पर आकर मौर्य वंश के राजा को हरा कर बप्पा के अधिकार में इस किले को लिया। 8वीं से 16वीं शताब्दी, 800 साल बप्पा रावल की डायनेस्टी के लोग सूर्यवंशी खानदान के रूप में चित्तौड़ के किले पर अपना रूल करते हैं। तो बहुत कुछ बातें आप भूल जाएं चलेगा, लेकिन सूर्यवंशी सिसोदिया डायनेस्टी, ये नाम तो आपको याद रहने चाहिए। सिसोदिया आपके शिवाजी महाराज भी हैं, सिसोदिया चित्तौड़ में भी हैं, और सूर्यवंशी खानदान राम का परिवार है। तो ये नाम, मोटे मोटे नाम आपको याद रहेंगे। तो सूर्यवंशी परिवार ने जब चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार रखा, उस वक्त 800 सालों में उस राजवंश ने छोटे मोटे कुल मिलाकर 113 हिंदू टेम्पल बनवाए। मिनिमम 40 मैक्सिमम 70,000 लोग चित्तौड़ के किले के पहाड़ पर रहा करते थे। और इस चित्तौड़ के किले को हम लोग उस जमाने में मेवाड़ की कैपिटल के नाम से जानते थे, चित्रवस कैपिटल ऑफ मेवाड़। तो एक्सक्यूज मी गेस्ट, आप राजस्थान को विजिट कर रहे हैं इस वक्त, और राजस्थान को आजादी के एक दिन पहले राजपूताना स्टेट के नाम से हम लोग जानते थे। अर्लियर राजपूताना डिवाइडेड इन टू मेजर पार्ट, वन वॉज मेवाड़ एंड सेकंड कॉल्ड मारवाड़। ए एरिया ऑफ मेवाड़ फ्रॉम चित्तौड़ टू माउंट आबू, क्लोज टू अजमेर, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर एंड तंबोर, मेनी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इंक्लूड इंदौर और मांडू। तो ये पूरा रीजन मेवाड़ करके बोलते थे। मारवाड़ का मतलब जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, ऐसे नाम आपने सुने हों। तो वो डेजर्ट एरिया रहा था और ये आपका ग्रीन एरिया रहा था। और चित्तौड़ का किला मेवाड़ की राजधानी जब था, उस वक्त 3 बार खास तौर से मुस्लिम लोगों ने अपने अटैक किए। आपको मैं शॉर्टेस्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पहली लाइन में हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करिएगा। 700 साल पहले दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर जब अपना हमला किया था, दैट वॉज टाइम 1300, 1302, 1303, और हमले के पीछे जो रीजन था, एक औरत के फैक्टर को लेकर यह हमला किया गया था। महारानी का नाम था महारानी पद्मनी, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी को पाना चाहते थे। ये कहानी आपको अभी 10 मिनट की मैं एक्सप्लेन दूंगा आगे, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंड करिएगा, फाइनली राजपूत लोग मारे गए और अलाउद्दीन खिलजी को जीत मिली। जब जीत कर सुल्तान खिलजी किले पर आए तो 16,000 राजपूत औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए, टू सर्व देयर ऑनर, दैट प्रेस्टीज एंड रॉयल जस्टिस, अपने आप को जिंदा आग में जलाकर यहाँ खत्म कर देती है। पद्मनी के जौहर के नाम से शायद आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो, ये पद्मनी के जौहर के नाम से कहानी रहेगी, इसकी कहानी को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड टाइम गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में 1534 में अपना हमला किया। फिर मेवाड़ की रानी कर्णावती 13,000 औरतों के साथ जिंदा आग में जलती है, कहानी भी उसकी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन लास्ट एंड थर्ड टाइम मुगल अकबर अपने अटैक को लेकर आए थे। दैट वाज टाइम व्हेन मुगल अकबर कॉन्कर्ड चित्तौड़। एट द टाइम अवर किंग महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले के राणा हुआ करते थे, ए फादर ऑफ महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी। लेकिन उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से हटाकर बेसिकली उदयपुर शिफ्ट कर दिया, राज परिवार सारा उदयपुर चला गया। अपने उदयपुर का नाम सुना हो या गए हो या जाने का प्लान हो, तो राज परिवार सब वहां रहने को चला गया। लेकिन दो सेनापति जयमल और पत्ता को लोग छोड़ के गए थे। दोनों सेनापति जिस रास्ते से भी आप कह रहे थे उस रास्ते पर लड़ते हुए मारे गए। अकबर का यहाँ तीसरी बार अधिकार होता है। फाइनली 1568 में 7,000 हिंदू औरतें फिर अपने आप को जिंदा आग में जलाकर खत्म करती है। दैट वॉज थर्ड जौहर। तो तीन हमले मुस्लिम और मुगलों के जमाने में, और तीनों अधिकारों ने चित्तौड़ के किले के मंदिरों को, महलों को, इमारतों को तोड़ा है, डिस्ट्रॉय किया है, नष्ट किया है, आगजनी करी है, लूटा है। इसलिए आज के दिन जो आप विजिट कर रहे हैं, उस जमाने के मुस्लिम और मुगलों ने जो तोड़फोड़ की है,
उस मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हमारे सब कोई मुस्लिम भाई हो तो वो अपने दिल पर किसी बात को न ले, हम किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, हम किसी कौम के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन उस जमाने के जो इन्वेडर्स थे दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय एवरी पार्ट ऑफ दिस फोर्ट, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सी सो मेनी प्लेसेस। लेकिन जो कुछ आप देखेंगे, कहीं मूर्ति, कहीं महल, कहीं मंदिर, कहीं मकान आपको टूटे हुए खंडरों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखिए 1200 साल पहले के जिस राजभवन पर आप खड़े हैं, 1200 साल पहले के इस राजभवन से हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस पैलेस का नाम कुंभा पैलेस है, लेकिन 1200 साल पहले बप्पा रावल ने इसको बनाया था। अपने अपने भारतीय हिस्ट्री का सबसे पुराना महल है, 1200 साल पहले का बना हुआ महल, लेकिन पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ब्रोकन किया, बाद में राणा कुंभा ने इसको रिस्टोर किया, इसलिए टुडे दिस इज कॉल्ड कुंभा पैलेस। एंड फॉर दैट कुंभा पैलेस आप जो चढ़े हैं वो आपका हमारा चढ़ने का रास्ता नहीं था, घोड़े का चढ़ने का रास्ता था। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं बिल्कुल सामने आपको जो बहादुरी नजर आती है वो घोड़े बांधने के लिए अस्तबल हुआ करती थी, तो वो स्टेबल्स हैं, महाराणे की कार पार्किंग, उस जमाने की कार पार्किंग कह सकते हैं, स्टेबल सेक्शन। और अभी जहाँ अभी सभी लोग वहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे थे, वो फोटोग्राफी का जगह तो अभी ठीक है, लेकिन उस जमाने में प्रार्थना स्थल हुआ करता था। जब सूर्य उदय होते थे तो सूर्य उदय होने के साथ भगवान की पूजा, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रार्थना वहाँ होती थी जहाँ भी आप लोग फोटोग्राफ निकाल रहे थे। और जब सूर्य भगवान की पूजा कर रहे होते थे तब यहाँ ये जो सेक्शन आपको नजर आता है, यहाँ पर नौबत खाना लगाना शहनाई बजाकर सूर्य भगवान का स्वागत करने की जगह इस वक्त जहाँ रखी गई। आप जैसे VIP गेस्ट अगर उस जमाने में आए तो आने जाने के रास्ते इधर से होते थे, देखिए सामने गेट्स हैं, उस गेट से ऊपर आप जब ऊपर आते थे तब आपके लिए शहनाई, म्यूजिक, गिटार, सितार, वो जो बजता था, जो आजकल हम लोग अपने घर पर कंप्यूटर के अंदर अपने दोस्तों को लाकर सुना देते हैं कि हमने नया म्यूजिक डाउनलोड किया है तो ये सुन लेते हैं। तो ये चीज़ें उस जमाने की होती थी। ये आपका नौबत खाना है, एक मिनट के लिए यहीं से टर्न करें और यहाँ पर खड़े होकर मैं एक महल बताता हूँ, उसके बाद इस महल को हम राउंड अप करेंगे और बाहर निकलेंगे। देखिएगा सर जी, आप जमा करेगा, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। तो देखिएगा मैडम जी, सर जी एक नज़र डालिएगा, ये तो ये महल, सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे चैप्टर को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। सामने जो महल है कुंभा पैलेस का वो पार्ट आप सभी देख सकते हैं, बाद में भी है और मैं तो आगे से दिखा दूंगा। कुंभा पैलेस का वो पार्ट जो आप देख रहे हैं मैडम जी, सर जी ये है आपका मीराबाई का महल, संत मीराबाई, अपने नाम सुना होगा, मीराबाई नाम है एक औरत का जिसने भगवान कृष्ण से मोहब्बत करी और कृष्ण को इस धरती पर बुलाया। मीरा बहुत महान औरत हुआ करती थी जिसके बजनों से भगवान जैसी चीज़ इंप्रेस्ड हो गई, तो खूबज मीराबाई, मीरा के बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन मीरा के इस महल के पीछे एक बिल्कुल कॉर्नर जो नज़र आ रहा जो आधा टूटा हुआ है, वो मेरी नज़रों में दुनिया का अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस। ऐसा लग रहा होगा कि गाइड चित्तौड़ के किले का रहने वाला उसको दुनिया के बारे में ज्ञान क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस इसलिए है बिकॉज जब कर्णावती ने 1534 में अपना जौहर दिलाया था, उस वक्त कर्णावती शी वॉज मदर, शी वॉज आई, माँ थी, उसके गोद में एक दूध पिता हुआ बेटा था, उसका नाम था उदय सिंह। तो एक साल के उदय सिंह को छोड़कर कर्णावती को जौहर में जलना था, लेकिन उसने अपने बेटे उदय सिंह को महलों की एक नौकरानी, सर्वेंट, धाय, आया, फोस्टर मदर, नर्स, केयर टेकर, बहुत सारे नामों से हम उस औरत को जानते हैं, महलों की नौकरानी पन्ना धाय को वो उदय सिंह देकर अपना जौहर जला लेती है। तो महारानी तो जल गई, राजकुमार को देकर चली गई, लेकिन पन्ना था उस पैलेस पर उस बच्चे को बड़ा कर रही थी जिसका नाम है राजकुमारों का महल, प्रिंस पैलेस। तो यहाँ उसी समय में एक सेनापति थे जिनका नाम था बनवीर सिंह जी। सो बनवीर ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, अगर मैं उदय सिंह को मार डालूंगा तो चित्तौड़ के किले का लैंड लॉर्डर बनने का मौका मुझे मिलेगा। सो ही मेड अ प्लान टू किल उदय सिंह, बट पन्ना था शी पुट प्रिंस इन उदय इन वेरी स्मॉल मैंगो बास्केट। उदय सिंह को आम के टोकरे में रखवा कर चित्तौड़ से दूर 160 किलोमीटर दूर भिजवा दिया और उस प्लेस पर अपने खुद के बेटे चंदन सिंह, मोती सिंह उसका नाम था, अपने खुद के बेटे को मारना के लड़के के ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स पहना कर लिटा दिया। जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं उदय सिंह कहाँ है, तो उस आई को देखिए, उस माँ को देखिए जिस माँ ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया,
और उदय सिंह समझकर चंदन सिंह के टुकड़े टुकड़े बनवीर ने कर दिए। नो वन मदर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री बुक, एक्सक्यूज मी, लॉस एंजलिस में हम लोग नयापन देखेंगे, ब्रिटेन में हम लोग और कुछ देखेंगे, दुनिया में हम घूमेंगे तो बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा, लेकिन दुनिया में कोई माँ ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जिस माँ ने अपना बेटा कटवाया हो राजकुमार को बचाने के लिए, और उस सेक्रीफाइस की वजह से हमको आपको क्या मिला, हमको आपको उस उदय सिंह के बेटे के रूप में महाराणा प्रताप मिला, प्रताप जिसने 21 साल तक हल्दी घाटी अकबर से लड़ाई लड़ी। अगर वो अकबर से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो अकबर आए जयपुर, बिन फेरे हम तेरे 400 साल पहले एक फिल्म बनाई जोधा भाई के साथ, और सलीम जहांगीर पैदा हो गए, खुर्रम शाहजहां साहब पैदा हो गए, औरंगजेब साहब पैदा हो गए, औरंगजेब साहब के पार्सल के रूप में दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, अली इब्राहिम, अजमल कसाब, लॉट ऑफ जो अच्छे भारतीय लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, उनको पूरा भारत हजारों बार ऐसे सल्यूट देता है। जो अशफाकुल्ला खान जैसे लोग हैं जो फांसी पर झूले, उनको पूरा भारत सल्यूट देता है। लेकिन जो अजमल कसाब है, जिसने हमारे हेमंत करकरे जैसे लोगों को मारा है, जिसने मुंबई को उजाड़ा है, उन लोगों को हम सल्यूट करें या फिर गन पॉइंट पर लें, ये डिसाइड करना आप लोगों के हाथ में है। यहाँ सिर्फ पन्ना का महल है जो हमको याद दिलाता कि पन्ना ने अपना सेक्रीफाइस किया। तो इफ एनी वन लाइक टू क्लिक इन दैट पैलेस इन योर कैमरास, यू कैन क्लिक इट, एंड हम लोग महारानी और महाराणा का पैलेस देखकर यहाँ से जल्दी से निकलेंगे और क्लियर टाइम करते हैं। वो महारानी का सेक्शन है मेरा, महारानी का पैलेस वहाँ, पद्मनी, कर्णवती, जवारबाई, जालीबाई, फूलबाई, 816 में जितनी औरतें हुई उन महारानियों के रहने की जगह वो थी। टॉयलेट बाथरूम के साथ बिल्कुल वेल सेटेड उस जमाने के पैलेसेस हैं, और ये मर्दाना सेक्शन के रूप में महाराणा पैलेसेस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आप जैसे VIP लोग अगर राणा से मिलने को आए तो बातचीत करने की जगह मीटिंग हॉल के रूप में दीवाने खास ये हुआ करती थी। ये मर्दाना, वो जनाना, और वो मीरा का महल आपको मैंने बताया था, और मीरा के महल के पीछे राजकुमारों का महल। तो ये पूरा लंबा चौड़ा कुंभा पैलेस 1200 साल पहले का बना हुआ महल, इस महल से हम लोग अभी बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधा अपने मीरा टेंपल तक जाएंगे। तो आप कोई फोटो निकालते हुए बाहर आइएगा और सीधा अपने हम लोग मीरा टेंपल को जाने वाले, तो अपने अपने रिक्शा में बैठिएगा,